खानगी से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां टापू में कुछ लोग फंसे थे, अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। नौका विहार के लिए 14 लोग गए थे जो कि आंधी तूफान में फंस गए थे। दो नाव में सवार होकर सभी वहां पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अब सफल रेस्क्यू लोगों का कर दिया है। बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले का कि ये परिवार बताया जा रहे हैं, शिव नारायण के महानदी में नौका विहार करने के लिए गए थे और उसी वक्त आंधी तूफान की वजह से ये फंस गए थे, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बलौदाबाजार और बिलासपुर के रहने वाले ये लोग हैं, पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा था पिकनिक मनाने के लिए और इस बीच आंधी तूफान की वजह से ये लोग बीच में ही फंस गए थे। नौका विहार के लिए 14 लोग दो अलग अलग परिवारों के यहाँ पर पहुंचे थे। दो नाव में सवार होकर ये पूरा परिवार नौका विहार के लिए निकला था, मगर आंधी तूफान की वजह से बीच में ही ये फंस चुका था। टापू में लोग फंस चुके थे जिन्हें अब बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित इस पार लाया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उस टापू में फंस गए थे। शिव नारायण के महानदी में नौका विहार करते हुए बीच टापू में आंधी तूफान की वजह से ये लोग फंसे थे, जिन्हें अब सुरक्षित ले आया गया है इस पार।